देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 28 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी जारी करने वाले हैं। यह किस्त सिर्फ 2,000 रुपये की होने वाली है, लेकिन इस बार 2,000 रुपये किसानों को और मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर इस बार पीएम किसान योजना की जो 28 जुलाई को किस्त मिलने वाली है, उसमें 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। ये देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूँ। ये 4,000 रुपये कैसे मिलेंगे, इसके लिए चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मोदी सरकार पिछले 3 साल से ये पैसा दे रही है और 4 महीने के अंतराल से वो 2,000 रुपये की किस्त जारी करती है। और यही 2,000 रुपये की किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी 28 जुलाई को भी जारी करने वाले हैं, लेकिन साथ में 2,000 रुपये और मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे, इसके लिए चलिए ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है, राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए नमो सत्कारी योजना की शुरुआत की थी। आज हुए कैबिनेट मीटिंग में सिंधी सरकार ने किसानों के खातों में ये राशि भेजने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के किसानों को अब सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी ये महाराष्ट्र के किसानों के लिए है, वो बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। अब महाराष्ट्र के जो भी किसान हैं उनको पीएम किसान की 2,000 रुपये और जो सीएम किसान यानी जो माननीय मंत्री जी ने है वो लागू की है योजना, जैसा कि नमो सत्कारी योजना इसका नाम रखा है, और इसके तहत सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे और जो किस्त होगी वो 2,000 रुपये की होगी, जो पीएम किसान के साथ ही जारी की जाएगी। तो अभी इसकी पहली किस्त आने वाली है, आप देख सकते हैं। पीएम किसान के साथ साथ इस राज्य के किसानों को मिलेंगे 6,000 रुपये, जानने पूरी जानकारी। तो ये राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के किसानों को है वो नमो सत्कारी योजना के 2,000 रुपये और मिलेंगे और पीएम किसान के 2,000 मिलेंगे, यानी दोनों मिलाकर 6,000 रुपये मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एकनाथ शिंदे सरकार की नमो सत्कारी योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। किसानों को ये राशि 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत भी 6,000 रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपये सालाना मिलने वाले हैं। कैबिनेट मीटिंग में किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने की घोषणा की थी। अब इस योजना की घोषणा के बाद है वो राज्य के वित्त मंत्री देवेश फडणवीस ने वर्ष 2023 के लिए अपना बजट पेश करते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना में लाभार्थी किसानों को क्या क्या काम करना होगा जिससे कि ये पैसा मिल सके, ये भी आप देख लीजिएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते का वितरण, आय प्रमाण पत्र, जमीन दस्तावेज और मोबाइल नंबर का होना बेहद ज़रूरी है। इसका मुख्य उपदेश यही है कि जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं वो अपने बैंक खाते में आधार लिंक कर रखें और EKYC पीएम किसान की करा लेंगे तो ऑटोमेटिक ही है वो इस योजना में जुड़ जाएंगे। तो आप पीएम किसान का भी फ़ायदा ले पाएंगे और नमो सत्कारी योजना जो महाराष्ट्र के किसानों के लिए उसका भी फ़ायदा मिल पाएगा। यानी कहने का मतलब है महाराष्ट्र के किसानों को इस योजना के तहत पैसा मिलेगा और साथ में पीएम किसान का भी फ़ायदा मिलेगा, यानी 4,000 रुपये मिलने वाले हैं और ये करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। बाकी राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश में भी किस्त मिलती है 2,000 रुपये वाली, वो किस्त इस समय जारी नहीं की जाएगी। हालांकि किसानों को पैसा अलग अलग मिलता रहता है, जहाँ पर भी मोदी सरकार है वो अपने राज्य सरकार के अनुसार भी पैसा देती है और केंद्र में मोदी सरकार पीएम किसान का पैसा देती है, तो अलग अलग तरह से योजनाओं का फ़ायदा मिलता है। और जहाँ पर भी मोदी सरकार है वो डबल इंजन सरकार का फ़ायदा भी दे रही है, तो बहुत से राज्यों में फ़ायदा मिलता है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में पीएम किसान के साथ साथ है वो सीएम किसान का भी पैसा मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट ऐसा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।